नमस्कार दोस्तों, आइंस्टीन ने कहा था कि हमें भारत का ऋणी होना चाहिए जिसने हमें गिनती सिखाई। अगर हमें गिनती ही ना आती तो बहुत सारे आविष्कार जो हो रहे हैं वो कभी ना हो पाते। अत्यंत विचलित करने वाली बात है कि हमारे पाठ्यक्रमों में अरस्तु तो है, सुकरात है, आइंस्टीन है, परंतु पाणिनी क्यों नहीं है, आर्यभट्ट क्यों नहीं है, याज्ञवल्क और भास्कराचार्य से हमारी पीढ़ी क्यों अनजान है। क्या इन्हें भी पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए? क्या भारतीयों को वास्तविक भारत से अनजान बनाना उचित है? विश्व को लोकतंत्र की परिभाषा बताने वाला यूएन ये कभी नहीं समझेगा कि भारत में तो आदिकाल से लोकतंत्र ही है। ग्रीक के इतिहासकार डियोडस लिखते हैं कि भारत में सिकंदर के आने से पूर्व से ही लोकतंत्र ही स्थापित था। अन्यथा आप ही सोचिए, अगर लोकतंत्र सशक्त ना होता तो माता सीता को वन भेजने की शक्ति किसमें होती? सातों समुद्र का जल सुखा देने की सामर्थ्य रखने वाले भगवान श्री राम ने लोक के अधीन होकर सीता माता को वनवास दिया। आज का दौर होता तो सबके ऊपर FIR हो जाती जितने लोगों ने आवाज उठाई थी। तो लोक सशक्त था, आदिकाल से सशक्त था। लोक इतना सशक्त था कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी लोक का अनादर नहीं किया। हम कितने सशक्त थे, हम कितने समृद्ध थे, इसका अंदाजा आप ब्रिटिश के राजनायिक ग्रांट डफ के इस वक्तव्य से समझ सकते हैं। यूरोप में जिन वैज्ञानिक खोजों की आज बात हो रही है, भारत सदियों पहले ही उसे खोज चुका है। आपको बता दूं, जिसे चेस कहते हैं वह चतुरंग भारत ने पूर्व में ही खोज निकाला था, और सांप सीढ़ी और आधुनिक शतरंज भारत की ही देन है। आज भारत की है कहानी की यह कड़ी, मैं इस वक्तव्य से समाप्त करूंगा। अमेरिकी साहित्यकार मार्क ट्वेन कहते हैं कि मानव और प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है वह सब भारत में उपस्थित है। तो गर्व करिए कि हम भारतीय हैं।